में ब्लेम किया जाता है जी कि पाकिस्तान के पास जो है ये जो सी पैक है, हम तो पंक्चर ही लगाएंगे उनके अगर हमने इंडस्ट्री ना लगाई अपनी या इकोनॉमिक जोन। इस वीडियो को आप 1 मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो तो हमारे बिल्कुल चैनल से बने आइसोलेटेड रहिए। है पूरे चाइना से, और उसको वो कनेक्ट करना चाह रहे थे अरेबियन सी से और इस तरह। उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी पाकिस्तान में। मैं कल रात भी देख रहा था कि पाकिस्तान में वो जो जितने भी इन्वेस्टमेंट आई है, कोई 30-34 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में थी। क्योंकि आपको पता है आज से 10 साल पहले, 12-8 साल पहले पाकिस्तान में जो बिजली के हालात थे वो आपको पता है, यहाँ पे तो 10-10, 12-12 घंटे बिजली जाती थी कैपिटल में। गांव तो हमारे, मुझे याद है मैं जब गांव जाता था तो दिल करता था या अल्लाह बस एक रात ही जाए, 2 रात जाए, क्योंकि वहां पे ना एसी चल रहा है ना कुछ चल रहा है और हम भागम भाग वापस आ जाते थे। तो अभी हम गांव जाते हैं बिजली होती है, इधर भी बिजली होती है। द रीजन बिहाइंड इज के वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लग गए थैंक्स टू चाइनीज। उन्होंने हमारे लिए नहीं किया, उन्होंने अपने लिए किया ये, क्योंकि उनको पता है कि उन वो हमें कुछ देंगे तो हम उनकी मदद करेंगे ना इस सारे प्रोजेक्ट में। इसके अलावा उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ताकि वो जो अपनी एक्सपोर्ट है वो कर सकें। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें भी इस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाना है, और वो हम कर सकते हैं अगर हमारे पास इंडस्ट्रियल जोन्स होंगे, इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे और उसमें हम फैक्ट्रियां लगाएंगे जो एक्सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज तो फिर जिस तरह हमारे, हमें ब्लेम किया जाता है जी कि पाकिस्तान के पास जो है ये जो सी पैक है, हम तो पंक्चर ही लगाएंगे उनके अगर हमने इंडस्ट्री ना लगाई अपनी या इकोनॉमिक जोन ना लगाए, तो फिर तो चीनियों की प्रोडक्ट्स गुजरेंगी उनकी, यहाँ से गाड़ियां गुजरेंगी और हम उनको चाय पिला रहे होंगे। और जारी बात है चीनी कौन सा हमारे वाले चाय पीते हैं, उन्होंने भी खाना अपना चाउ मॉन और जो भी रखा होता है बीच में रखा होना होता है। आज के मॉडर्न ट्रक्स हैं, बीच में एयर कंडीशन भी लगे हैं, फ्रिज भी पड़ा हुआ है, एक तरफ से लेके जाओ 2 दिन में पाकिस्तान क्रॉस हो जाता है, वो अपनी चाइनीज फूड खाएंगे, उन्होंने वो कहाँ से खाना है। जो आसम सलीम बाजवा बात कर रहे हैं वो बेसिकली जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे कि हम जो है वो इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाना चाह रहे हैं, तो 1000 एकड़ पे वो बात हो रही थी। और उसके अलावा वो कह रहे हैं हम 3600 एकड़ पे बनाना चाह रहे हैं। अगर आपको याद हो पाकिस्तान में लाहौर में जब मुशर्रफ दौर था तो परवेज लाई ने यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया था, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट। इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स इंडिया में होंगी, बांग्लादेश में होंगी। होता यह है कि ये करते ये हैं कि 1000 एकड़ जमीन ली, उसमें फैक्ट्री वालों को, कारोबारी लोगों को कहा इसके अंदर आ जाओ, उनको गैस भी मिलेगी, बिजली भी मिलेगी, उनको फेवरेबल एनवायरमेंट भी मिलेगा, उनको टैक्सेस भी उनके ऊपर कम होंगे, उनकी एक्सपोर्ट के हवाले से भी चीजें मदद की जाएगी। सो बेसिकली छोटे छोटे पार्क बना के तो इंडस्ट्रियलिस्ट को अट्रैक्ट करना है। प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका गए, उन्होंने कहा जी आए सी पैक में इन्वेस्ट इन्वेस्ट करें, वो क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं हम जो चाह रहे हैं, वो क्यों पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाएंगे, हम कोई इंसेंटिव देंगे तो किसी को लगाएंगे ना। ओवरऑल ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत फायदेमंद है। जब मगरब यहां से जा रहा था, अमरीका ने पाकिस्तान की बड़ी सरजमीन इस्तेमाल की, उनको जो सप्लाई लाइन हम देते थे जो कराची से लेके अफगानिस्तान जाती थी, हम तो उनसे रोड भी नहीं बनवा सके कि भाई आपने हमारे रोड तोड़ दिए हैं, आप हमें मोटरवे बना दें, कोई 2-3 अच्छे अच्छे रोड्स बना दें। हमने वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं उनसे लिया, और सिर्फ हमने जो है वो टोल टैक्स के ऊपर उनकी सारी ट्रांसपोर्ट चला दी, तो वो भी बहुत बड़ा हमारा नुकसान हुआ। चाइनीज भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका फायदा तब है अगर पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने वहां पे इंडस्ट्री लगा के इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा लिया। अगर इंडस्ट्री ना लगी, एक्सपोर्ट ना लगी, तो इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन चीमा साहब, जैसे आपने कहा कि चाइना का अपना फायदा है तभी यहाँ लगा है, तो वो तो खैर कोई खास बात नहीं है। कोई
कोई भी अगर इतना पैसा लगाएगा तो जाहिर है उसका अपना कोई फायदा हो रहा होगा, तभी वो लगाएगा ना, वरना कोई किसी भी कंट्री से, पाकिस्तान की बात नहीं, किसी भी जगह कोई अगर कोई जाएगी, कोई कंपनी जाएगी, कोई कंट्री जाएगी, तो वो अपना फायदा सबसे पहले देखेंगे, हमारा बाद में। लेकिन आप समझते हैं कि सिर्फ चाइना के ऊपर रहकर हमें जो है बाकी सारी दुनिया के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए, और पाकिस्तान को कुछ ऐसा काम भी करना चाहिए कि और जगह से भी लोग आए, और कंट्री से, यूरोप से भी लोग आए, अमेरिका से भी आए। आप इंडिया को देखें, इंडिया में कितनी कंपनीज आ चुकी हैं। यानी आपको यूट्यूब जो जिस पे हम लोग बात कर रहे होते हैं, जिस पे हम वीडियोस लगा रहे होते हैं, उनका ऑफिस आपको वहाँ इंडिया में मिल जाएगा, दिल्ली में मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने अभी तक अपना, जबकि पाकिस्तान में बहुत लोग यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं और यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, उन्होंने नहीं शुरू किया यूट्यूब वालों ने। और उसमें कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि हमारी अपनी ही नालायकी है, हमारी अपनी ही कोई कमजोरी है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि यहाँ से बिजनेस भी मिल रहा है और बेताशा मिल रहा है। आप अगर टीवी चैनल्स जो हमारे यहाँ आते हैं, जो भी मतलब सैटेलाइट चैनल्स आते हैं, उनको अगर देखें तो उनमें से अगर 90 नहीं तो 80 या 70% एंकर्स जो हैं उन सबके यूट्यूब चैनल्स मौजूद है, चाहे वो सलीम साफी हो, चाहे वो रऊफ कलासरा हो, चाहे वो किसी का भी आप नाम लें और उनके चैनल्स मौजूद है। तो इतना बिजनेस पाकिस्तान दे रहा है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे ऑफिस बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो आप समझते हैं कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमजोरी आ रही है। देखिए, मैं इसमें ये समझता हूं कि YouTube, Facebook, Twitter वो क्यों पाकिस्तान आएंगे? उनको बिजनेस से गर्ज होता है जी। मिसाल के तौर पे आप देखिए, पेपॉल है, पेपॉल अब पाकिस्तान नहीं आता, वो कहता है भाई आपकी मार्केट ही बहुत छोटी है। अच्छा, नेचुरल चीज है। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, और वो ये है कि गवर्नमेंट जो होती है उसको लोग गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा तब डालते हैं, हुकूमत को पैसा तब देते हैं, टैक्स तब देते हैं, जब ट्रस्ट होता है कि भाई ये पैसा हमारे ऊपर ही लगेगा, ये हेल्थ पे, हमारी हेल्थ पे, हमारी एजुकेशन पे, हमारी स्विक सेंस पे, हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये पैसा लगेगा, तो हम आपको पैसा देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो तो कर रही है। अभी आप देखिए पाकिस्तान में, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि जितने लोग भी देते हैं क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, जो टोटल आपकी पॉपुलेशन का 1% लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और जो आपके लोग बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाते, वो कहते हैं यार हमने अकाउंट खुला के क्या करना है, वो तो वो हमारे पैसे रख लेते हैं और हम पकड़े जाएंगे, हमें हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो पूछेगा ये पैसे कहाँ से आए हैं, हम क्यों बताएं, हमें क्या जरूरत है, हम कैश इन हैंड ही चलाएंगे। मैं बहुत सारे ऐसे कारोबारी लोगों को जानता हूँ, वो जो समझते हैं कि हमें 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया जो है ना, वो गाड़ी में रख लेना मंजूर है, हमने बैंक में जमा नहीं कराना, ताकि हमें सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे, बैंक से आपको क्वेश्चन करते हैं, फिर FATF के रजीम के आने के बाद सारा बैंकिंग रजीम चेंज हो गया, जिससे सारे का सारा आपका जो लॉस थे वो तब्दील हो गए, बहुत बड़ा मसला बन गया। आपके कहीं से बाहर से पैसे आ जाए, वो बैंक वाले सवाल पूछ पूछ मार देते हैं, वो कहाँ से पैसा आया, क्यों जमा करा रहे हो, कहाँ से लेके जाओगे, क्यों निकालोगे। एक बंदा कहता है यार मैंने क्या करना है, उन लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। सो पाकिस्तान की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है। तो गाइज, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो कमर चीमा यहाँ पर बात कर रहे थे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको पता होगा दोस्तों, ये पाकिस्तान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग, अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन जाएगी, पाकिस्तान बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान समझता है, पाकिस्तानी समझते हैं। तो गाइज, आपको पता होगा अगर कोई कंट्री किसी प्रोजेक्ट को लगवाती है तो उसको डेफिनेटली उसके बारे में पता होता है कि आगे होगा क्या, कैसे इंडस्ट्री काम करेगी, कैसे क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो चाइना के साथ एक प्रोजेक्ट कर रही है और उसे अभी तक ये नहीं पता कि उसमें आगे होगा क्या, पाकिस्तान का फ़ायदा क्या होगा। ये कन्फ्यूज़न आज से नहीं, ये कन्फ्यूज़न काफ़ी लंबे समय से है। जब से पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट चीन के साथ बन रहा है तब से कन्फ्यूज़न है। मतलब आप समझ सकते हो, चाइना जैसी एक कंट्री जो कि लीज पर, लोन पर पैसा दे रही है और पाकिस्तान की ज़मीन पर काम करता कर रही है, रोड वगैरह बना रही है, लेकिन पाकिस्तानियों को अभी तक ये नहीं पता कि इससे पाकिस्तान को कैसे फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के कमरचीमा कयास लगा रहे हैं कि पाकिस्तानियों को केवल पंचर लगाने का फ़ायदा होगा। और लेकिन आपको भी पता है कि चाइनीज़ आजकल ट्यूबलेस टायर यूज़ करते हैं, जिससे कि वो काम भी शायद पाकिस्तानियों को ना मिले।
तो ये प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपको भी पता होगा दोस्तों कि चाइना ने अभी ऐसा ही कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का एक प्लान बनाया है ईरान में। अगर ईरान में चाइना उतना बड़ा प्रोजेक्ट करता है तो चाइना ईरान में डायरेक्टली पहुंच सकता है अफगानिस्तान के थ्रू, उसे पाकिस्तान से गुजरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को भी अभी पता नहीं है कि उसे किस साइड रहना है। अभी बात चल रही है कि पाकिस्तान में कि वो US को कोई एयरबेस, मतलब ऐसा कुछ मिलिट्री एयरबेस दे सकता है, जगह दे सकता है जहाँ पे उसके बेसिस बने, ऐसा कुछ चल रहा है। तो डेफिनेटली चाइना ऐसे देश के साथ संबंध कैसे बनाएगा जो एक फ़ोन कॉल पर अपनी पॉलिसी चेंज कर देते हैं, तो ये भी है। तो अभी तक इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि होगा क्या। और CPEC एक लोन है, ये भी पाकिस्तानियों को क्लियरली पता है, लेकिन पाकिस्तानी अब कन्फ्यूज है कि ये लोन कैसे चुकाएंगे। हालांकि चाइना एक ऐसा देश है जो लोन लेता नहीं है, देता बस है, फिर उसके बाद वो हड़पता है ज़मीन लीज पर काफ़ी लंबे समय के लिए। तो पाकिस्तान के साथ भी आने वाले समय में कुछ ऐसा ही होगा, आप देखते जाएं। चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान को CPEC करके पैसा देता जा रहा है, पाकिस्तानी लेते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को कोई इंडस्ट्री वगैरह कोई प्लान तो की नहीं है। और चाइना एक ऐसा देश है जो अगर रोड भी बनाता है तो वो अपने आदमी खुद ले जाता है, उसकी ये एक पॉलिसी है। मतलब CPEC में भी अगर वहाँ पर रोड बन रही होगी तो उसमें शायद 80% चाइनीज़ होंगे, 20% पाकिस्तानी होंगे, वो भी शायद लोकल मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, इतना ही काम होगा। वहाँ पर रोड बनाने के लिए पाकिस्तानी मजदूर को यूज़ भी नहीं किया गया होगा, चाइनीज़ इतना, मतलब आप समझ सकते हो ऐसे लोग हैं। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करते रहें, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद। और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, अगर आपके घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग है उसे वैक्सीन नहीं लगी है, सेकेंड डोज नहीं लगा है, तो प्लीज़ जाके लगवाएँ। और अगर आप 18 प्लस हो चुके हैं तो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करें, आपको डेफिनेटली 1-2 हफ्ते में वैक्सीन लग जाएगी। प्लीज़ वैक्सीन लगवाएं, उसके बाद आप थोड़ा सा केयरलेस हो सकते हैं, लेकिन मास्क ज़रूर पहनें।